हेलो। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, है ना? आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं इस चैप्टर के। वो मैं इस चैप्टर को खत्म कराने के बाद उसकी एक रिविजन वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है? क्या चैप्टर है? चैप्टर से पहले फिर मैं आपको कुछ और एक चीज दिखा दूँ जिसको आपको देख के अच्छा लगे। वही चैप्टर का स्ट्रक्चर, किसी ना किसी पीरियड के बारे में आपको बता रहे हैं। अब उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में उनके पास नॉलेज कहाँ से, इसका सोर्स को बता रहे हैं। तो प्रीवियस लास्ट जो पिछले लास्ट 3 चैप्टर में कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना? तो समझ रहे हो कि आप इनको एक तरह से याद रख सकते हो, एक तरह से इनके रिव्यू में आप खुद भी बना सकते हो, है ना? लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप नोट्स बनाने पर जाओ तो नोट्स बनाने से पहले चैप्टरों को दो तीन पढ़ लेना, तभी आप अच्छे से शॉर्ट नोट बना पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना? मुझे भी इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मेरे को बार बार पढ़ना पड़ रहा है, कुछ शॉर्ट से निकाल पा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं संगम एस के बारे में, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? संगम एस इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। सर, इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया की। द वर्ड संगम इज तमिल फॉर्म ऑफ संस्कृत संघ, यानी वो कह रहे हैं संगम वर्ड है, संगम जो वर्ड है ये इस वर्ड की जो कि संस्कृत वर्ड है इसका एक तमिल फॉर्म है। फिर क्या है? तमिल फॉर्म है संघ का, तमिल फॉर्म संगम है, ठीक है? विच मीन्स एन असेंबली और एन एसोसिएशन, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक सभा, जिसका मीनिंग क्या होता है? असेंबली, जिसका मीनिंग क्या होता है? असेंबली, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए संगम जो चीज़ है वो क्या है, बेसिकली तमिल फॉर्म है। किसकी तमिल फॉर्म है? संस्कृत वर्ड संघ की, है ना? जिसका मीनिंग क्या होता है? असेंबली को या एसोसिएशन को, ठीक है? चाहे असेंबली को चाहे एसोसिएशन को, ठीक है? तब द संगम इज रेफर्स टू, इसीलिए आप संगम इसका मतलब क्या निकल रहा है? जैसे छठ को तोड़ दे रहा, संगम अलग से एज मतलब पीरियड, है यहाँ पर। जैसे हमने छठ पढ़े वहाँ पे एज का मीनिंग क्या निकला है? पीरियड से एरा, है ना? पीरियड की बात, मतलब पीरियड की बात करें बेसिकली, तो संगम इज पीरियड ऑफ संघ, पीरियड ऑफ संघ, और संघ मतलब के एसोसिएशन, असेंबली, पीरियड ऑफ असेंबली, पीरियड ऑफ असेंबली, कुछ ऐसा मीनिंग इसका निकल रहा है। देखो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है। द संगम इज रेफर्स टू द पीरियड, एक ऐसे पीरियड की बात करता है ये, व्हेन बल्क ऑफ तमिल लिटरेचर वाज कंपोज्ड बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर्स। आप किसी एसोसिएशन को बॉडी भी बोल सकते हो, बॉडी ऑफ मैनी पीपल, बॉडी ऑफ मैनी पीपल, बॉडी मतलब क्या होता है? ग्रुप, कोई एक ग्रुप ही होता है, ठीक है? और जो एसोसिएशन होता है, जो असेंबली होती है, वो भी ग्रुप ही होता है एक तरह से, है ना? तो भी लिखा हुआ है कि संगम इसका मतलब है उस पीरियड से जब बहुत सारे तमिल लिटरेचर बनाए गए थे, जब बहुत सारे तमिल लिटरेचर बनाए गए थे बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर्स, बहुत सारे तमिल स्कॉलर्स ने मिलकर, बहुत सारे तमिल स्कॉलर्स ने मिलकर एंड पर्स ने मिलकर इन 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग, तीन लगातार होने वाले गैदरिंग्स में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? संगम। जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने तीनों को नाम क्या दिया? संगम, संगम 1, संगम 2, संगम 3, है ना? तो यही मीनिंग है। तो ये क्या है? ये मीनिंग है इसका, संगम इसका, ठीक है? संगम इसका एक ऐसा पीरियड
तमिल ड्रेस बनाया गया था बेसिकली, है ना। हैं संगम मीनिंग कॉन्फ्लुएंस, रेवर्स टू द गैदरिंग्स ऑफ पोएट्स एंड बार्ड्स। वर्ड्स नोट कर लो, पहले ऐसा करते तो पढ़ते हैं जरा, वर्ड्स मैं आपको नोट करूंगा, ठीक है। जो तो आपको पता ही है कि हर चैप्टर की पहली वीडियो हमारी छोटी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, थोड़े वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। दिस टुक प्लेस बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी एंड सेकेंड सेंचुरी एडी इन द किंगडम ऑफ पांड्याज। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबली ऑफ पोएम्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाई गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, बट ऑल इट्स वर्क हैव पेरिश्ड। आई थिंक पता होगा, पर फिर भी नोट कर ही लेना अगर नहीं पता है तो। द सेकेंड संगम अटेंडेड बाई सेवरल पोएट्स प्रोड्यूस अ लार्ज मास ऑफ लिटरेचर, बट ओनली तोलकप्पियम वॉज तोलकप्पियर तोलकप्पियम बाई तोलकप्पियर है सर्वाइव्ड। द थर्ड संगम अटेंडेड बाई मेनी पोएट्स एंड पोएट्स प्रोड्यूस बास लिटरेचर ऑफ विच ओनली फ्रैक्शन है सर्वाइव्ड। इट इज दिस फ्रैक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सटेंट बॉडी ऑफ संगम लिटरेचर। एक्सटेंट मतलब लिखना, एक्सटेंट नहीं पता होता आपको। द थ्री किंगडम्स ऑफ, अभी तो बाद में देखेंगे, पुलिस वाले पैराग्राफ के वर्ड से कहते हैं, ठीक है। नोट करो जरा, नोट कर लिया। कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली बस आपको तो पता चल गया, कॉन्फ्रेंस तो कुछ नहीं है संगम का सिनोनियम है। संगम का क्या है? सिनोनियम। और संगम का मीनिंग आपने लिख ही लिया है, संगम का मीनिंग ऊपर दे दिया उन्होंने, असेंबली वगैरह एसोसिएशन, है ना। तो इसमें तो कुछ आपको बताना है ही नहीं बेसिकली। बार्ड्स पता हो, ठीक है। अब बार्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, इसको मैं कहता हूँ बार्ड्स मतलब वो होते हैं जैसे पोइट्स होते हैं ना, पोइट्स वगैरह कवि वगैरह, पोइट्स पोइट कौन होते हैं जो कवि या कवि पोएम वगैरह गाते हैं, ठीक है, पोएम वगैरह लिखते हैं। और बार्ड्स वो होते हैं जो चलते फिरते उपदेश देते हैं, जो लोगों के देते उपदेश देते चलते फिरते, ठीक है, घूमते रहते थे बेसिकली। घूमने वाले लोग थे जो घूमते फिरते अपने आर्ट्स का अपने आर्ट्स को डिस्प्ले कर देते बेसिकली, है ना। तो ऐसे लोगों को बार्ड्स बोला जाता था। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, इनको आप पोइट्स लिख लो, है ना, इसको पोइट्स लिख लो। बैकग्राउंड लिखते थे ना वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब कि घूमते घूमते ये कुछ अपनी कलाएं दिखाते थे, ठीक है। गाने भी गाते थे, है ना। पेरिस का मीनिंग लिखो, पेरिस का मीनिंग होता है आपका, मैं इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना। पेरिस का आप क्या लिख लो, डिमिनिस होना, डिमिनिस। अगर आपको डिमिनिस का मीनिंग पता है तो ही लिखना, DIMINSH, है ना, डिमिनिस होना, खत्म होना। अगर ये भी नहीं पता तो डिस्ट्रॉय लिख दो, तो क्या लिखो, डिस्ट्रॉय, है ना। डिस्ट्रॉय का मीनिंग आपको पता होगा। एक्सटेंट लिखो, एक्सटेंट मतलब प्रेजेंट, एक्सटेंट मतलब प्रेजेंट, आज के टाइम पे, है ना, वर्तमान में, प्रेजेंट अवेलेबल जो बेसिकली है। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। हेंस संगम मीनिंग कॉन्फ्रेंस, संगम का मीनिंग घर से दूसरे वर्ड में बता रहा है। रेफर टू द गैदरिंग ऑफ पोइट्स एंड बार्ड्स, ये उन लोगों की गैदरिंग होती थी जिनके पोइट्स और बार्ड्स की गैदरिंग होती थी। दीज टुक प्लेस, दीज मतलब क्या, ये गैदरिंग
दिस गैदरिंग्स टुक प्लेस बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीच एंड सेकंड सेंचुरी एडी इन द किंगडम ऑफ पांड्या। तो कह रहा है ये फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी के बीच में हुई थी। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। इन टेक्स्ट को जो टेक्स्ट लिखे गए थे, टेक्स्ट यहाँ पर लिखे गए थे जो लिखा था ना यहाँ पर, टेक्स्ट लिखे गए तमिल बोल लिटरेचर वगैरह में, तो उन टेक्स्ट को हमने क्या बोला, संगम बोला। उन टेक्स्ट को हमने क्या बोला, संगम बोला। क्यों? बिकॉज़ हैव बीन कंफ्यूजन, बिकॉज़ हैव बीन कंफ्यूजन कंप्लाइड कंपाइल्ड इन असेंबली। क्योंकि उनको संगम में लिखा जाना था, असेंबली मतलब कम सम संगम, तो उन बुक्स को उन टेक्स्ट को संगम में लिखा जाना था, तो हमने उनका नाम संगम ही रख दिया। असेंबली ऑफ पोएट्स दैट वाज हेल्ड इन द सिटी मदुरई, जो कि कहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर कहाँ पर हुई थी, मदुरई की सिटी में हुई थी, मदुरई सिटी में हुई थी। इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स। माना जाता है कि जो फर्स्ट संगम है वो किसने अटेंड की थी, भगवान ने और लेजेंडरी सीजस ने। ठीक है, बट ऑल इट्स वर्क हैव पेरिश्ड। बट यहाँ पर जो भी काम हुआ था, यानी यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे गए, जो भी हुआ वो सब पेरिश, यानी इस मीटिंग में क्या हुआ मैं कुछ नहीं मालूम, कुछ हमारे साथ। सेकंड संगम जो हुआ, सेकंड संगम अटेंडेड बाय सिविल पोएट्स प्रोड्यूस्ड अ लार्ज मास ऑफ लिटरेचर। सेकंड संगम जो था काफी पोएट्स ने अटेंड किया, काफी पोएट्स ने, ठीक है, लार्ज मास ऑफ, लार्ज मास ऑफ क्या क्या लिटरेचर प्रोड्यूस किया, यानी बहुत सारे पोइम्स वगैरह प्रोड्यूस की, लेकिन आज के टाइम पर केवल एक ही जिंदा है, मतलब एक ही पोइम बची है केवल, बट ओनली टॉल कप्पियम नाम है उसका, उस लिटरेचर का, उस बुक का जो टॉल कप्पियर ने लिखी थी, बस वही है जिसने अभी तक सर्वाइव किया, यानी वही है जो आज के टाइम पर सही बची हुई है। द ओल्डेस्ट बुक ऑफ तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर की सबसे पुरानी बुक टोल कप्पियम है, टोल कप्पियम। द थर्ड संगम अटेंडेड बाय मेनी पोइट्स प्रोड्यूस वास्ट लिटरेचर फ्रॉम व्हिच ओनली फ्रैक्शन हैज सर्वाइव्ड। वो कह रहा है ये बहुत सारे लोगों ने अटेंड की थी, यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर लिखा गया था और बहुत कम, ओनली फ्रैक्शन, एक केवल फ्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत कम हमारे पास क्या बचा है, ये लिटरेचर बचा हुआ था। इट इज दिस फ्रैक्शन विच कॉन्स्टिट्यूएंट द एक्सटेंट बॉडी ऑफ संगम लिटरेचर। मतलब वो कह रहे हैं ये वही फ्रैक्शन है जो आज के टाइम पर अवेलेबल है, जो आज के टाइम पे संगम लिटरेचर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ तक कुछ ज़्यादा काम पे है नहीं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि थर्ड संगम है वही आज के टाइम पे प्रेजेंट में अवेलेबल है, मतलब इसका भी वो फ्रैक्शन पार्ट है ना। द थ्री किंगडम्स ऑफ चेरास पांड्यास एंड चोलास वर ऑलवेज एट वॉर। मतलब कह तीन किंगडम्स उस टाइम पर, चेरास पांड्यास और चोलास, जो हमेशा एट वॉर रहते थे, यानी हमेशा वॉर लड़े रहते थे विद वन अनदर, विद वन अनदर होना चाहिए यहाँ पे वॉर ना, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए रेडी रहते थे हमेशा। हेरोग्लिट्स फ्रॉम द थीम्स ऑफ संगम लिटरेचर, उनके बॉर्न ने और हेरोग्लिट्स ने एक थीम बेसिकली डिजाइन की संगम लिटरेचर के, मतलब इसका संगम लिटरेचर जो बेसिकली डील करता है अपन बॉर्न के ऊपर डील करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन चेरास हैड फाइनली असर्टेड देयर सुप्रीमेसी ओवर द अदर टू किंगडम्स। माना जाता है जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिला है अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, माना जाता है इन बुक्स के अकॉर्डिंग कि चेरास से चेरास वो फाइनली जीत गए थे, असर्टेड मतलब के एफर्ट्स है ना, तो उनके फाइनली एफर्ट जो थे वो सुप्रीमेसी को प्राप्त हो गए, सुप्रीमेसी का वो मतलब जीत गए बेसिकली है ना, ओवर द अदर टू किंगडम्स। दो अदर किंगडम्स से अगर देखें तो उनके जो एफर्ट्स थे वो ज़्यादा ऊपर हुए, यानी वो जीत गए, ये मीनिंग इसका निकलता है, ठीक है। सर इतना कुछ उन्होंने हमें बताया, कैसे पता है लोगों को भी, इन लोगों को भी कैसे पता, तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिन्हें पता होना चाहिए, तो कहते हैं वहाँ पर कुछ सोर्सेस हैं जिसकी वजह से पता है। द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस संगम इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कितने सोर्सेस हैं, तिरुकुरल, मेगालिथिस, मेगालिथ्स,
दो ही हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ द 18 माइनर वर्क, पढ़े ने किल कनकु, मतलब तमिल लैंग्वेज ही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। अब इससे ना लिटरेचर रिटन बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है, तमिल पोइट एंड फिलोसोफर। क्या कह रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ द 18 माइनर वर्क। वो कह रहा है कुछ 18 माइनर वर्क किए गए, यानी कुछ 18 वर्क का मतलब, और यहाँ पे वर्क का मतलब पता है क्या होता है, वर्क का मतलब लिखी होता है, लिखा मतलब लिखा हुआ, राइटिंग है ना, आर्टिकल। तो कह रहा हूँ ये 18 आर्टिकल में से बहुत फेमस आर्टिकल है बेसिकली ना, ऑफ दिस संगल विटिचर, संगल विटिचर की बात कहता हूँ, जो कि किसने लिखी है, जो कि तिरुवल्लुवर ने लिखी है। तिरुवल्लुवर कौन थे, एक तमिल पोइट थे और एक फिलोसफर थे, ठीक है। तो किसने लिखी है ये, तिरुवल्लुवर ने, जो कि एक तमिल पोइट है और फिलोसफर है। तिरुकुरल और कुरल, शॉर्ट में कुरल भी बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कुरल बोलते हैं, कुछ नहीं आइडिया, हम तिरुकुरल याद रखेंगे। तिरुकुरल इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मिक्सचर, कंपाउंड ऑफ द टीचिंग्स ऑफ धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र एंड द काम सूत्र। यानी कि ये जो तिरुकुरल है, इसके अंदर तीन चीजें लिखी हुई है, इसके अंदर तीन चीजें लिखी हुई, तीन चीजों की टीचिंग्स लिखी हुई है। इट एनकम्पासेस थ्री थिंग्स, ठीक है। इट कंपाइज अ सीरीज ऑफ ब्रीफ मैटरिकल प्रोवर्ब्स ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। इट कंप्राइजेस के अंदर कब चीज़ें कंप्राइज करती हैं, मतलब ये कंप्राइज करता है बहुत सारी सीरीज ऑफ ब्रीफ मैटरिकल प्रोवर्ब्स को ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, लाइफ के हर एक को नहीं बोल सकते, लाइफ के बहुत सारे, लाइफ को रिलीजन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर, है ना। ये तिरुवल्लुवर है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ तमिल कपलेट्स ऑर्गेनाइज इंटू 133 चैप्टर्स। वो कह रहे हैं जो तुल्लुकुलम है, ये कलेक्शन है तमिल कपलेट्स का। कपलेट्स होना पता क्या होता है, नहीं पता, चलो काफी सारे वर्ड्स आएंगे, उनको जरा माफ करते हैं। अरे टीचर्स का तो पता ही होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से। अच्छा रिएक्टर देख लेना, आपको नहीं पता होता, मॉर्टल लिख लेना। इनसाइड लिखो, इनसाइड का मीनिंग नहीं पता होता आपको, ठीक है, लिखते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मतलब बनवाना, बनाना,
है ना, मेड लिख लो मेड। स्लेव को स्लेव मतलब आप लिख लो बोर्ड, एक तरह से ना, एक तरह से बोर्ड है ना स्लेव। कमेमोरेटिव लिखो, कमेमोरेटिव मेमोरियल, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, और यहाँ पर सेम ही है, थोड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर यहाँ पर इनका एक ही मीनिंग है। ठीक है, कमेमोरेटिव मतलब होता है यादगार, कमेमोरेटिव का मीनिंग क्या होता है, यादगार। मेमोरियल क्या होता है, मेमोरियल, तो दोनों को एक दूसरे के कोल करके लिख लो, कमेमोरेटिव मतलब मेमोरियल, और मेमोरियल का मतलब क्या होता है, यादगार, है ना। अब यहाँ पर लिखा है मेमोरियल्स, मेमोरियल्स तो मेमोरियल्स मतलब क्या, स्टैचू ऑफ मेमोरीज, स्टैचू ऑफ मेमोरीज, हम स्टैचू बनवा देते हैं ना कभी कभी किसी की याद में, किसको याद करने के लिए, तो उनको भी मेमोरियल ही बोला जाता है, उनको भी मेमोरियल्स ही बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो रह गया ऊपर मोर्टर, देखो मोर्टर भी नोट कर दो, मोर्टल में आपको कैसे दिखाऊं, मोर्टल में आपको दिखा देता हूँ, है ना, रुको जरा। दिखा दे रहे बीच में, ये सीमेंट का मिक्सचर, सीमेंट का, ये दिखा दे रहे मिक्सचर सीमेंट का, जो मिक्सचर जो हम बनाते हैं, ये इसको मोर्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोर्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोर्टर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट है ना, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, बोल्टर लिखो, बोल्डर्स मतलब होता है, अब हिंदी में बोलो तो कंकड़, वो कंकड़ों को बोलते हैं कंकड़, कंकड़ मतलब क्या, छोटे छोटे स्टोन के पीसेस, छोटे छोटे स्मॉल के उस स्टोन के पीसेस, तो लिख लो कंकड़, लिख लो, अगर आपको कंकड़ लिखने आता हो तो, अगर नहीं आता है तो लिख लो इंग्लिश में, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, स्मॉल पीसेस ऑफ, स्मॉल ब्रोकन पीसेस लिखो, सिंपल सा, स्मॉल ही मतलब स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन, है ना। स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन है ना, यहाँ पे लिखो इनसाइड का मीनिंग,
इसमें मेरे को थोड़ा सा समझाना चाहिए आई थिंक। देखो इसका बेसिकली मीनिंग पता है क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में एक व्यू लेना, किस चीज़ के बारे में व्यू लेना, मतलब किस चीज़ के बारे में व्यू लेना है सर। किस चीज़ का व्यू लेोगे तो आपको उससे क्या मिलेगा, उसके में थोड़ी नॉलेज मिलेगी, यहाँ से यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वही मीनिंग इससे जरूरी निकलता है इन्फॉर्मेशन लेना, कि आपको काफ़ी इंसाइट मिला यानी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्या मिली। पर बेसिकली इसका रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी के बारे में व्यू लेना, क्या लेना, व्यू लेना, व्यू लेके आपको नॉलेज मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या, अगेन साइड मतलब क्या, व्यू देख लो, व्यू और ब्रैकेट में बोलो नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है अब पढ़ते हैं जरा, कंप्यूटर से रही के सबसे पहले तो ये वर्ड था हमारा, नोट करो। लिख लिया। अब आपने पता नहीं हिंदी में पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, इनको दोहे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं दोहे, दोहे क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ लिटरेचर ही होता है, अ टाइप ऑफ लिटरेचर ही होता है, बिल्कुल जिस तरह से पोएम्स होते हैं हमारे उस तरह से दोहे भी होते हैं हमारे, ठीक है। अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ लोग पोएम्स गाते हैं, कुछ लोग दोहा लिखते हैं, ठीक है। तो दोहा होता है अ काइंड ऑफ पोएम, अ काइंड ऑफ पोएम, ठीक है, अ काइंड ऑफ लिटरेचर लिख सकते हो। तो कह रहा है कि ये जो है ये कलेक्शन है तमिल दोहों का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है 133 चैप्टर्स में, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है 133 चैप्टर्स में, ये चैप्टर है द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ इंडियन फॉर्म प्लगिंग अ पीस ऑफ लैंड टू रूलिंग अ कंट्री, मतलब कह रहा है। और हर चैप्टर में, हर चैप्टर अलग अलग टॉपिक से डील करता है वहाँ पे। फिर एक लैंड को प्लग करने से, एक लैंड को फ्लो करने से, एक कंट्री को रूल करने तक के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वो भी दोहों में है, वो भी कैसे, ऐसा नहीं कि सिंपल स्टोरी लिख दी है, नहीं दोहों में, पोएम्स के फॉर्म में। इट पीचेस सिंप्लिसिटी, ये जो है ये हमें सिंप्लिसिटी के बारे में बताते हैं, ट्रूथ थ्रू आउट इट्स वर्सेस, और पूरे के पूरी अपनी लाइनों में, पूरे के पूरे वर्सेस में जाएगा, पोएम्स की लाइन होती है तो बोलते हैं वर्सेस, तो पूरे के पूरी लाइनों में हमें ट्रूथ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो 133 चैप्टर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 सेक्शंस, इन 133 इन 133 चैप्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में ग्रुप कर रखा है, 3 सेक्शंस में। क्या नाम है इसका, आराम, पौरुल एंड इनबाम और कमाम, इनबाम और कमाम, ठीक है। आप ये वर्ड तो याद रखेंगे, फिल्म के मीनिंग भी याद है। आराम मतलब राइटनेस, सही चीज, सही चीज है ना। पौरुल मतलब वेल्थ, पौरुल मतलब वेल्थ के बारे में बताते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सही काम के बारे में बताते हैं, यहाँ पे प्लेजर, यहाँ पे आराम के बारे में बताते हैं, ठीक है। वाइल आराम एंड इनबाम डिस्कस अबाउट एथिकल लिविंग, जो आराम होता है यही बताता है कि हमें सही तरह से रहना चाहिए, प्लेजर भी हमें रहने के बारे में बताते हैं। दोनों के दोनों हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, एथिकल लिविंग के बारे में बताते हैं, प्राइवेट लाइफ के, कि आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे रहना चाहिए। और जो पॉरल था, पॉरल आपको डील कर बताते हैं कि पब्लिक में आपको कैसा आप डील करना चाहिए। तो ये जो आराम और निबाम है ये बेसिकली किसके बारे में बताते हैं, एथिकल लिविंग इन प्राइवेट, इन प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है। और ये जो पॉरल था, पॉरल जो वीक वाला पार्ट है, ये बताते हैं कि दुनिया से, पब्लिक से कैसे डील करोगे, ठीक है। मैं अगले यही पढ़ते हैं अपन, ये हमारा आज का हम लास्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम नया टॉपिक का स्टार्ट नहीं करेंगे। पहला बेसिकली मेरा चैप्टर में इंट्रो का ही था, थोड़ा सा इंट्रो हमने इसमें लिया, बाकी कल से आ जाएंगे अपने लेंथ पर। मेगालिथ्स आर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सर ये क्या होते हैं मेगालिथ्स, ये कोई बुक वगैरह नहीं है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जैसे दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं मेगालिथ्स, ठीक है। इरेक्टेड विद स्टोन स्लैब, जो स्टोन से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, रेस्टिंग ऑन ईच अदर विदाउट एनी मोर्टर, जो एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कोई सीमेंट का मिक्सचर यहाँ पर नहीं है। समटाइम्स देयर वाज एन ओपनिंग कट इन टू वन ऑफ दी साइड, कभी कभी इनके यहाँ पे किसी ना किसी एक साइड में कट होता है ओपनिंग का, जिससे आप एंटर कर सको, ठीक है। सम अदर्स आर ऑफन फाउंड अंडरग्राउंड, कुछ तो अंडरग्राउंड भी होते हैं, कुछ चीज जमीन के अंदर ही बने हुए होते हैं। स्टोन सर्कल्स या फिर बोल्डर्स प्लेस ऑन द सरफेस प्रोबेबली
सर्व एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूटल साइट। वो कह रहा है कहीं भी कभी आपको स्टोन सर्कल्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, वहाँ पे प्लेस वहाँ पे रखे हुए मिल सकते हैं, स्टोन सर्कल्स बोलो फिर कंकड़ बोलो, ठीक है, ऑन द सर्फेस यानी ऊपर की तरफ, है ना। प्रोबेबली प्रोबेबली सर्व एज अ साइन पोस्ट, शायद प्रोबेबली मतलब शायद शायद ये जो पत्थर है एक साइन पोस्ट का काम करते हैं टू फाइंड द ब्यूटल साइट, है ना, ताकि एक ब्यूटल साइट मिल सके। ब्यूटल साइट मतलब जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, सो दैट पीपल को रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू, और फिर ताकि वो लोग वापस लौट कर आ सकें जब वो चाहें। यानी बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे कि उस टाइम के लोग ना जब भी ब्यूटल साइट वगैरह जाते थे तो वो कंकर से वहाँ पे अपना माफ बना लेते थे कि मैं इससे जा रहा हूँ, मैं अपने पीछे कंकर छोड़ता जा रहा हूँ, ताकि जब वो लौट कर आए तो जगह ना भूल जाए, उस कंकड़ को फॉलो करते करते आ जाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने जैसे साइन पोस्ट बनाकर उसको यूज किया होगा पिछली बार, है ना, पहले करते होंगे। सब मेगालिथ्स, मेगालिथ्स मतलब क्या, मेगालिथ्स में रहने लो, सब मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, मतलब वहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, मेगालिथ्स की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं छोटा सा जो आपको दिखाई दिया था। तो कह रहे हैं कभी कुछ कुछ मेगालिथ्स के अंदर ना एक से ज्यादा स्केलेटन है, एक से ज्यादा स्केलेटन, इसका मतलब क्या, एक में एक रहेगा या बहुत सारे लोग रहेंगे। अरे अगर अकेला इंसान होगा तो एक एक ही स्केलेटन मिलेगा उसकी डेड बॉडी का केवल, लेकिन अगर उस मेगालिथ के अंदर पूरी फैमिली रहती होगी तो एक स्केलेटन थोड़ी मिलेगा, बहुत सारे स्केलेटन आपको मिलेंगे ना, सारी फैमिली मेम्बर्स उनकी डेड बॉडी के बाद, तो मोर बहुत सारे जो मोर देन वन स्केलेटन आपको मिले ना, इससे क्या हमें पता चलता है। तो कह रहे दिस इंडिकेट्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, जो लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते थे बट बरीड इन द सेम प्लेस, उनको एक ही जगह पर जला दिया गया, तो एट डिफरेंट टाइम पीरियड, बेशक अलग अलग टाइम पीरियड पर, बेशक अलग अलग टाइम पीरियड पर उनको जला दिया गया। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेमोरियल स्टोन्स, इनको मेमोरियल स्टोन्स भी कहा जाता है, इनको मेमोरियल स्टोन्स भी कहा जाता है, आपको याद रखनी है चीज़ें ना। दीज मेगालिथ्स कंटेन्ड नॉट ओनली स्केलेटन्स, यहाँ पर केवल स्केलेटन्स नहीं थे ऑफ द बरीड पीपल जले हुए लोगों के, बट ऑल्सो कंटेन्ड ग्रेव गुड्स इंक्लूडेड पॉटरी एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर केवल स्केलेटन ही नहीं थे, यहाँ पर दबे हुए, यहाँ पर दफनाए हुए सामान भी थे, लाइक पॉटरी, आयरन की चीज़ें, ठीक है। दीज गुड्स प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द संगम, ये जो गुड्स जो हमें मिले, जो सामान हमें मिले, इससे हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स कंपेयर टू दोज मेंट फॉर फिशिंग एंड हंटिंग आर लेस, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर टूल्स ज़्यादा थे लेकिन फिशिंग के हंटिंग के टूल्स कम थे, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर पर फोकस थे, वो लोग एग्रीकल्चर फोकस रखते थे, मीट वगैरह पर ज़्यादा फोकस नहीं रखते थे। सो इट कैन बी कंक्लूड दैट द मेगालिथिक पीपल इनिशियली डिड नॉट प्रैक्टिस एन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, वो स्टार्टिंग में एडवांस एग्रीकल्चर भी नहीं करते थे, ठीक है। नहीं नहीं अच्छा उल्टा पड़ गया, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर जो टूल्स है ना वो लेस थे, एग्रीकल्चर जो टूल्स है ना वो लेस हैं, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होते थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर टाइप नहीं ज़्यादा होते थे, ये मीनिंग है। फ्रॉम द ग्रेव गुड्स दफनाए हुए गुड्स से लेके रिलीजियस रिलीजियस बिलीफ ऑफ मेगालिथिक पीपल कैन ऑल्सो बी इनफेयर, इनफेयर मतलब तो गैस करना, वो कह रहे हैं उससे उनके गैस से पता कर सकते हैं, उनके बिलीफ के बारे में बिलीफ को भी गैस कर सकते हैं कि वो कैसा उनका बिलीफ सिस्टम कैसा था, वो किन चीज़ों पर बिलीफ करते थे कि ना नहीं करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ ट्रीडेंट्स इन द ग्रेव्स शो देयर फेथ इन लॉर्ड शिवा, मतलब वहाँ पर ट्रीडेंट्स यानी लॉर्ड शिवा की मूर्ति थी, इससे पता चलता है कि वो लॉर्ड शिवा में भरोसा रखते थे। रिनाउंड हिस्टोरियन, वहाँ के फेमस हिस्टोरियन की बात करें, चंपक लक्ष्मी हैज आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया द संगम इज विद द लास्ट फेज ऑफ द मेगालिथिक कल्चर इन तमिल रीजन, उन्होंने इसको तमिल रीजन के लास्ट कल्चर के साथ क्या क्या कंपेयर किया। सी हैज, अच्छा ये चंपक जो है, ये चंपक लक्ष्मी ये लड़की है, सी हैज सब्सटेंटिएटेड हर व्यू पॉइंट, सब्सटेंटिएट मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना, इंपॉर्टेंट ये है ना, एक इंपॉर्टेंट मैटर को अलग करना,
substantiated her viewpoint by correlating their valid settlements known from literature with the megalithic sites of the far south. This includes a subsistence base consisting of agriculture, cattle rearing, fishing, the use of iron and amalur, in which of warfare and the weapons were important. ठीक है, ये देखो, है ना, सब्सिस्टेंस को पहले तो सब वैल्यू क्यों लिखा रहा, वैल्यू बताऊंगा क्यों लिख पा रहा, सब्सिस्टेंस पहले नोट करो, लाइवलीहुड, लाइवली ठीक है। अरे बाकी के तो दो वर्ड है जो तमिल तमिल वर्ड्स हैं, है ना। अब इनका मीनिंग मैं आपको बता दूँ, उसको लिखवाऊँ तो गिराऊँ मैं, फिर शुरू से समझ दूँ। वो कह रहा है सी सब्सटेंटिएटेड हर व्यू पॉइंट बाय कोरिलेटिंग द वैलिड सेटलमेंट्स नोन फ्रॉम लेटर रिसर्च विद मैग्नेटिक साइट्स ऑफ द फार साउथ। वो कह रहे हैं उन्होंने वहाँ के जो सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स मतलब वहाँ के जो कॉलोनीज वगैरह थी, वहाँ के जो घर वगैरह थे, जो बस्तियाँ थी वहाँ की, है ना, जो कि जिनके बारे में पता चलता है लिटरेचर से, जिसके बारे में पता चलता है लिटरेचर से, है ना, उसको सब्सटेंशिएट किया, उसको डिफरेंशिएट किया किसके साथ, सब्सटेंशिएट किया किसके साथ, मेगालिथिक साइट्स के साथ, वो बहुत दूर साउथ में जो है, और उसको कंपेयर किया। ठीक है, दिस इंक्लूड्स, और ओके क्या उन्होंने सब्सटेंशिएट किया, दिस इंक्लूड्स सब्सिस्टेंस बेस, उन्होंने लाइवलीहुड का बेस भी कंपेयर किया। लाइवलीहुड का बेस मतलब क्या, पैसा कमाने का बेस, पैसा को कैसे कमाते थे बेसिकली, तो उन्होंने पता लगाया एग्रीकल्चर से पैसा कमाते थे, कैटल रियरिंग से पैसा कमाते थे, फिशिंग वगैरह करते थे, आयरन का यूज़ करते थे, हाँ मिलो मिलो मतलब एक वेपन की तरह बोल रहे हैं कि मिलो इन विच वॉरफेयर एंड वेपन्स वर इम्पोर्टेंट। अब वॉरफेयर की चीज़ें भी मतलब वो यूज़ करते थे, तो ये चीज़ें उन्हें पता चला। ठीक है, बस इतना ही उन्हें पता चला, यहीं तक आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, कल से थोड़ा लंबा लंबा खींचेंगे इस चैप्टर को, फर्स्ट टॉपिक थोड़ा हमारा हल्का ही होना चाहिए, चैप्टर छोटा है, बड़ा भी नहीं है, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको, देखना फिर होमवर्क है क्या हमारा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, है ना, बस यही।